व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम कुणाल, आपका स्वागत है हमारे चैनल एडी आर्ट ब्लॉग्स यानी कि कलात्मक डिजाइन पे। सो हम क्या करने वाले हैं आज, हम लोग टी शर्ट प्रिंटिंग करेंगे। अब टी शर्ट के ऊपर कस्टम प्रिंट करना कोई नई बात नहीं है, बट हाँ हर बार कुछ नया करना एक नई बात जरूर है। ऐसे तो काफी टेक्निक्स हैं प्रिंट करने के, लेकिन जो आज हम लोग प्रिंटिंग टेक्निक यूज करने वाले हैं वो है प्रिंटिंग थ्रू स्टेंसिल। सो इसमें क्या करेंगे, हम लोग हर कलर के एक अलग अलग स्टेंसिल बनाएंगे, उसका पिन पॉइंटिंग करेंगे और उसी को रख करके हम उसका इम्प्रेशन टी शर्ट के ऊपर लेंगे। ये तो एक टेक्निक की बात। अब थीम तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आपका कुछ नाम हो सकता है, कोई इनिशियल्स हो सकता है, कोई ग्रुप का नाम हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है, जैसे कि आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन। लेकिन आज जो मैं थीम चूज करने वाला हूँ वो है आर्मी मैन, बिकॉज आर्मी मैन ही है जिनकी वजह से अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। आर्मी मैन हमारे लिए ना मौसम देखते हैं, ना जगह देखते हैं, बस हमारे लिए खड़े रहते हैं। और उनमें से ही एक है बड़ौड़ा के शहीद आरिफ खान पठान, जिनको भी हम सैल्यूट करते हैं, उनको मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वहीं आपके मोबाइल स्क्रीन पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, क्रिएटिविटी भी बांटने से बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें चाहिए वो होगा एक पेपर पर प्रिंट। ध्यान रखें कि ये प्रिंट आपको रिवर्स में करना है, जैसा आपको चाहिए उसका उल्टा। और हम चाहिए साथ में एक पीवीसी शीट। सो हमारे जितने भी कलर्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, सो हमें 5 कोरोगेटेड शीट यानी कार्डबोर्ड बॉक्स को हम लोग काट सकते हैं सिमिलर साइज में, जैसे कि मैंने पहले ही काट रखा है। और आप देखिए एग्जैक्ट पिन टू पिन मैच होना चाहिए, अदरवाइज हमको बहुत दिक्कत होगा आगे जाके। पिन पॉइंट करने के लिए हमें मार्कर्स चाहिए, जो कि मैंने सिंपल पीवीसी शीट से काट लिया। इसको कैसे यूज करना है तो हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा चाहिए हमें कटर, एक स्केल, एक्रेलिक कलर्स। इन केस हमारे पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो हम फैब्रिक कलर जो कि हमको इजिली मिल जाएंगे वो हम ले सकते हैं, थोड़े से पेपर क्लिप्स और कार्बन शीट, उसके अलावा एक डबल साइड टेप। मेन चीज तो मैं भूल ही गया, टी शर्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारा पेपर के पीछे हम डबल साइड टेप लगा देंगे। सी आई एम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेल बाइटर, सो मेरे पास नेल्स नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। शायद आपके पास हो तो आप जल्दी निकाल लोगे। और ये एक बार पील करने के बाद हम अच्छे से कार्बन के ऊपर मार्जिन मिला करके इसको हम कार्बन के पीछे स्टिक कर देंगे। नाउ किसी भी स्केल के सहारे से हम इसको काट लेंगे अच्छे से। अब इसको हमको अपने पीवीसी शीट जो हमने काटा था उसके पीछे हम इसको लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना जो एजेस हैं, जो मार्जिन्स हैं, वो एकदम प्रॉपरली उसके साथ प्रॉपरली शीट के साथ मैच हो। सो नाउ अब हम इसको एक बॉल पेन के यूज से ट्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, जितना हो सके कोशिश करेंगे कि वो प्रिंट के अकॉर्डिंग ही चले। ये देखिए, ये हमारा ट्रेस हो चुका है इसके ऊपर। जो हमारा इंडिविजुअल कलर है उसके आउटलाइंस हमको एक शीट के ऊपर करने, यानी व्हाइट का व्हाइट के एक अलग शीट पर आएगा, ग्रीन का एक पूरे अलग ग्रीन शीट पर आएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो ये मेरा तैयार हो चुका है। जितने भी लाइंस हमने ट्रेस किया उसके ऊपर हम शीट कटर चलाएंगे, क्योंकि हमको इसको काट करके स्टेंसिल बनाना है। एक बार जो हमने पूरा कटिंग कर लिया तो फिर जिस भी कलर का जो पार्ट हमने ड्राइंग करके रखा है उस इंडिविजुअल के ऊपर उसको हमको फेविकॉल से लगा करके स्टिक कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से।
अभी यहाँ पे हमको बहुत केयरफुल रहना है कि जो पोर्शन हमने ड्रॉ किया है वो पोर्शन के ऊपर ही स्टिक हो, अदरवाइज हमारा पूरा जो बाद में जो प्रिंटिंग होगा उसमें पिन पॉइंट्स हिल जाएंगे तो हमारा प्रॉपर ढंग से प्रिंट नहीं आएगा। सो इसी तरीके से हम सारे ग्लू कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। सो इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल कलर्स के इंडिविजुअल स्टेंसिल बना देंगे। अब हमें चाहिए हमारा टी शर्ट और एक सेंटर पॉइंट हम लोग देख लेंगे ताकि हम रिफर कर सकें उसको। टी शर्ट के बीच के एरिया में कार्डबोर्ड डाल देंगे ताकि जो कलर हम आगे लगाएं बैक साइड तक ट्रांसफर नहीं हो जाए। अब हम लोग अपना स्टेंसिल रख के चेक कर लेंगे और साइड में इसको क्लिप्स लगा देंगे, जो पेपर क्लिप्स हमने स्टार्टिंग में रखा था उसे लगा देंगे। ध्यान रखें कि टी शर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड भी नहीं हो और एकदम बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं हो। सो अब हम लोग अपने जो स्टेंसिल है उसको रख कर अब वो जो हमने पिन पॉइंट्स निकाले थे वो पिन पॉइंट्स हम इसको हर कॉर्नर पे चिपका देंगे। सबसे पहले हमारा बेस कलर होगा उसको लेंगे, उसके बाद कलर लगा के धीरे से उसको स्टाम्प करेंगे। अब बेसिकली मेरा टी शर्ट डार्क कलर का है तो उसमें एक बार में तो प्रिंट आएगा नहीं, तो उसको हम लोग दो या तीन या चार बार जिस तरह से हमारा कलर का इंटेंसिटी है। तो अब हम लोग ग्रीन कलर की स्टाम्पिंग करेंगे। कलर अच्छे से लगाने के बाद उसके मार्जिन पहले नीचे से अच्छे से मिलाएंगे और फिर उसको टी शर्ट के ऊपर प्रेस करेंगे। काफी अच्छा रिजल्ट आया है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। इट्स लाइक व्हेन यू डू इट बाय योरसेल्फ results always make you happy। That's good. It's nice. But जो मेरी से एक गलती हुई है वो गलती ये है कि मैंने पैरों के लिए स्टेंसिल नहीं काटा था। So अब इस गलती को मैं सुधारूंगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और अब मैं शोकेस करने वाला हूँ कि ये टी शर्ट आगे सूखने के बाद लग कैसा रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। सो फाइनली ये बनके रेडी हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा। सो मैं ये ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कलर्स जो है परमानेंट है। सो फ्रेंड्स, ये तो मेरा टी शर्ट बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो फिर क्या बोलना है यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा लो, कमेंट कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आगे भी हम कुछ बनाते रहेंगे।